ऑल कैसे हैं आप? आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं अपनी करने जा रही हूँ क्लिंजिंग। और क्लिंजिंग कर रही हूँ मैं बिल्कुल घर की, जो हमारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होती हैं उनसे। ना मैं कोई क्लिंजिंग स्क्रब लिया है मैंने, कुछ नहीं लिया है। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी क्लिंजिंग किस तरह करती हूँ और आपके फेस पे ग्लो भी आता है। अभी मैं, आप देख सकते हैं, मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ है। और मैं अब ये लेमन लूँगी, लेमन इस ये स्क्वीज हुआ हुआ है, तो इसको मैं अपने फेस पे रब करूँगी। और फिर जो है ये हमारे टोनर का काम करेगा, और जो है हमारे जितना भी मैल होगा हमारे स्किन पर तो वो इसको रिमूव करेगा। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस से क्लिंजिंग करूँगी। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, ये आपको ग्लो भी देता है आपके फेस पे। आप इस तरह इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेमन वैसे ही हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बहुत शाइन देता है आपके फेस पे। क्योंकि मैंने अपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ था, जस्ट ये वॉश था, इस पर कोई मैंने मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ था। अब मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाऊंगी कि ये कितना आपका सारा एक्सेस डस्ट को रिमूव कर देता है। ये देखिए अगर आपको नजर आ रहा है, ये बहुत आसान है, आप इसको ऑल्टरनेट डेज में आराम से कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे शाइन आना शुरू हो गई है। अब जैसे मैं क्लिंजिंग करूँगी वो है, आप क्रीम ले सकते हैं, आप फ्रेश मिल्क की भी क्रीम ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी फ्रेश मिल्क की नहीं है। मैं फ्रेश मिल्क की क्रीम से भी जो है वो करती हूँ, लेकिन अभी मैं टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसको मैं थोड़ा सा लूँगी, ये क्रीम मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी लाइक दिस, और इसको इस तरह करके रब करूँगी। आपको सर्कल की तरह रोटेट करना है अपने हैंड को। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको भी पता चल जाए कि इसको किस तरह करना है। आपने रैंडमली अपने हैंड्स को मूव नहीं करना फेस पे, क्योंकि फेस के अंदर बहुत छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो हील नहीं होते, तो उनको आपने ब्रेक नहीं करना है। अंडर आई में आपने इस तरह सॉफ्ट हैंड से करना है। तो अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरह, अपने प्रेशर पॉइंट पे आपने इस तरह करना है। इसी मूवमेंट से आप घर पे आराम से फेशियल भी कर सकते हैं। और ये देखें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्लिंजिंग के लिए। आप आराम से घर बैठे हैं, बस आपको बलाई चाहिए या क्रीम चाहिए, और इजीली आप अपना क्लिंजिंग घर पे कर सकते हैं। आपको महंगे महंगे कॉस्मेटिक नहीं चाहिए इसके लिए, महंगी महंगी क्लिंजिंग क्रीम नहीं चाहिए, इजीली आप कर सकते हैं।
इज द चीपेस्ट वे टू क्लीन योर फेस। अंडर आई में आप इतना करना है और ये 15 to 25 मिनट्स तक आप करें तो ये ऑटोमेटिकली ड्राई होना शुरू हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो आपने अपना फेस वॉश आउट कर लिया। जब तक ये ड्राई नहीं होता तो आप अपने फिंगर्स के थ्रू रोटेट करते रहिए लाइक दिस। एनी प्रॉब्लम उससे भी रिड्यूस करेगा ये और फिर कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है तो इसलिए हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमारा फेस खराब हो जाएगा या हमें सूट नहीं करेगा। इट इज़ अ हर्बल वे टू क्लीन योर फेस। ये देखिए तो आप देख सकते हैं इसका ड्राई हो रहा है। इसको पॉइंट पे आके हम अपना फेस वॉश करेंगे। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। ऑलरेडी मेरे फेस पे जो है वो ग्लो आ गया है और ये बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि आपके सारे एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है आपके पोर्स से और ये बहुत अच्छी शाइन देता है। अभी देखिए मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ फेस पे कि मेरे फेस पे शाइन आ रही है। तो आप भी इसको ट्राई करें। अगर आपके मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंशाल्लाह आगे और जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रोज़ कैसे बनाते हैं। मैं अपनी आईब्रोज़ खुद बनाती हूँ घर में, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप घर में कैसे आईब्रोज़ बना सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।